वाकयात की तहकीकात के लिए दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी पंजाब एडवोकेट जनरल रजिस्ट्रार लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन को तलब कर लिया। आईजी पंजाब को हिदायत की कि निजी कॉलेज वाकये की रिपोर्ट जमा करवाए। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की जानिब से यह हुक्मनामा जारी किया गया है। बच्चे की जिंदगी तबाह कर दी, चाहे इसके साथ वाकया हुआ है या नहीं। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं मोहम्मद अशफाक से। जे अशफाक, अहवाल बताइएगा इस समाअत का। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम ने लाहौर के तलीमी इदारों में हालिया वाकयात से मुतल्लिक दायर दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से राणा सिकंदर एडवोकेट ने दलाइल दिए। अदालत ने कल आईजी पंजाब को रिपोर्ट समेत जाती हैसियत में तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद साख और उनके साथ साथ रजिस्ट्रार लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार को भी जाती हैसियत में पेश होने के अहकाम जारी कर दिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम ने कहा कि उस बच्ची की जिंदगी तबाह कर दी, चाहे उसके साथ वाकया हुआ या नहीं। आईजी पंजाब अदालत को बताएं कि ऐसी वीडियोस और तस्वीर फैलने के बाद पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि एंटी रेप एक्ट तो मुतासर बच्ची का नाम पब्लिक करने की इजाजत तक नहीं देता। क्या आईजी पंजाब इतना बेहबर था कि उसने तस्वीर और वीडियो वायरल होने दी। चीफ जस्टिस ने तमाम मुतलका अफसरान को कल हर सूरत अदालत में पेश होने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें इस वाकये का हाथ से लिखा हुआ रोजनामचा चाहिए, कंप्यूटराइज रोजनामचा नहीं चाहिए। इस हवाले से अदालत ने कहा कि अदालत आईन और कानून के मुताबिक इसके हवाले से केस की कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि आज एक केस फुल बेंच में चल रहा है, इसलिए इस मामले पर मजीद कार्रवाई कल होगी और कल आईजी पंजाब को इस हवाले से जाती तौर पर तलब कर लिया है और आईजी पंजाब इस वाकये की मुकम्मल रिपोर्ट कल अदालत में पेश करें।